आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी हम रोज में बनाते ही रहते हैं, पर व्रत के लिए कैसे बनाएं? तो फलाहारी आलू की बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि दो आलूओं के साथ हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मीडियम साइज के दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने छील लिया और छीलने के बाद में हाथों से इस तरह से फोड़ लेंगे। तो थोड़े से बड़े पीसों में फोड़ेंगे ताकि जब इससे हम सब्जी बनाएं तो एकदम घुलकर ना आए। साथ ही ये जो आलू है पहले से बॉईल किए हुए हैं, लगभग 3 से 4 घंटे पहले से आप बॉईल कर दें और उसके बाद सब्जी बनाएं, यानी कि तुरंत से आलू उबालकर सब्जी ना बनाएं, वरना आपको जब आप सब्जी बनाएंगे खाएंगे तो आपको आलू बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, आलू पूरी तरह घुल जाएंगे। अब आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको लेनी है लोहे की कढ़ाई। जी हाँ फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई लेंगे तो आपकी सब्जी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। साथ ही 2 चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड करेंगे, घी से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी का। आप चाहें तो सिर्फ तेल में भी सब्जी को बना सकते हैं, वैसे व्रत में या तो घी यूज होता है या फिर रिफाइंड ऑयल यूज होता है। अच्छे से घी को गर्म करके हम इसमें डाला 1 चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तब इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी वैसे तो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये वाली जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है, तो हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालें तो सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आधी छोटी चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी व्रत में खाया जाता है। तो अदरक यहाँ पर मैंने नहीं यूज़ की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अदरक नहीं खाई जाती है, वैसे मेरे यहाँ तो खाई जाती है, मैं यूज़ करती हूँ। पर जो स्टैंडर्ड चलता है, जो रूल्स फॉलो होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको सब्जी सिखाई है। तो कोई भी ये सब्जी बनाकर खा सकता है और किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं। और देखिए अच्छे से हरी मिर्च भुन गई, तब मैंने इसमें बॉईल किए हुए मैश किए हुए आलू डाल दिए। इसको भी हम इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, 1 से 2 मिनट इस तरह से चला लेंगे। अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे, जिसमें जाएगा सबसे पहले धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे व्रत का नमक, जिसको कि सेंधा नमक भी बोलते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल दीजिए। मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। इसके अलावा इस सब्जी को ना खट्टा होना बहुत जरूरी है, तभी इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। जो लोग व्रत में अमचूर पाउडर नहीं खाते हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अमचूर पाउडर आप हटा दीजिए। साथ ही लास्ट में इस सब्जी में हम नींबू का रस भी जरूर यूज करेंगे। तो जो लोग अमचूर पाउडर नहीं खाते हैं वो नींबू का रस यूज करें, और जो लोग बिल्कुल भी खट्टा नहीं खाते हैं वो इसमें पूरी तरह से नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर हटा सकते हैं। वैसे सब्जी ये थोड़ी सी चटपटी और खट्टी अच्छी लगती है। अब इसमें देखिए हम डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी डालकर अच्छे से मिला लीजिए, और धीरे धीरे सब्जी को अब हमें पकाना है। पहले मिक्स कर लेना है अच्छे से। सब्जी को हम पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 से 15 मिनट तक। धीरे धीरे आप देखेंगे सब्जी का कलर और भी ज़्यादा इम्प्रूव होएगा। हमने इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है, तो इसमें नेचुरल एक ब्लैकिश कलर आएगा। आधा नींबू का रस भी डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। लोहे की कढ़ाई में आप कोई भी रेसिपी बनाएं, कोई भी सब्जी बनाएं, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। साथ ही और भी ज़्यादा हेल्दी बनती है, आयरन रिच सब्जी बनती है। तो आपने देखा होगा हलवाई लोग जो भी सब्जी बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो उनकी सब्जी का टेस्ट ही अलग होता है। तो यही रीज़न है कि हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, ताकि कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सब्जी को पकने दीजिए, लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सब्जी में झाग दिखाई दे रहा होगा, पर अभी ये पूरी तरह से गाढ़ी नहीं हुई है। तो धीरे धीरे पकाएंगे ना तो ये गाढ़ी भी हो जाएगी, कलर भी इसका मस्त आ जाएगा। उसके बाद में आप इसको व्रत की पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा आलू मैंने मैश कर दिया ताकि सब्जी की कंसिस्टेंसी जल्दी से गाढ़ी हो जाए, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको कूटू की पूड़ी के साथ खाइए, कूटू के पराठे के साथ खाइए। व्रत में खाए जाने वाला सिंघाड़े का जो आटा होता है उसकी रोटी बनाई जाती है, पराठे बनाए जाते हैं, पूड़ी बनाई जाती है, तो किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। समा के चावल की पूड़ी आप खाएं, तो कोई भी रेसिपी हो, कोई भी आप ले सकते हैं, पूड़ी ले सकते हैं और उसके साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्ट लगेगी आपको। तो कैसी लगी आपको मेरी ये व्रत वाली आलू की सब्जी की रेसिपी? लास्ट में इसको गार्निश कीजिए हरे धनिए के साथ और आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, फलाहारी आलू की सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बनी है। और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमक एक बार टेस्ट कर लीजिए, खटास टेस्ट कर लीजिए, मिर्च टेस्ट कर लीजिए, थोड़ी सी चटपटी रखिए, तभी ये सब्जी मस्त लगेगी। खटास ज़रूर डालिएगा, नींबू का रस भी डालें, साथ ही अमचूर पाउडर का यूज़ भी करें, हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालें और नमक भी प्रॉपर होना चाहिए, फिर देखिएगा सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।